लाहौर में फूड सेफ्टी टीमों का हुसैन खान रोड पर क्रैकडाउन जारी है। जाली दूध तैयार करके सप्लाई करने वाला यूनिट पकड़ा गया। लाहौर में फूड के लिए आपको बता रहे हैं कि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दूध तैयार करके सप्लाई करने वाला यूनिट पकड़ा गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख से। सलीम बताइएगा, क्या कोई गिरफ्तारी भी अमल में आई है? जी बिल्कुल, रात के पिछले पहल जाली दूध तैयार करके डोर सप्लाई करने वाला यूनिट पकड़ा गया है। डीजी पुलिस आरडी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का हुसैन खान रोड पर क्रैकडाउन है, जहां से 20 बैग पाउडर, 17 कैन और 2 ड्रम जब्त कर दिए गए हैं। पाउडर केमिकल की मिलावट से तैयार दूध तलब करके तमाम माल जब्त कर दिया गया है। पानी में पाउडर केमिकल्स और खुले घी की मिलावट से दूध जमा सफेद गाढ़ा महदूद तैयार किया जा रहा था। जाली दूध में गाढ़ापन और फैट को पूरा करने के लिए सस्ता नाकस पाउडर और घी इस्तेमाल किया जा रहा था। यूनिट में सफाई के नाकस इंतजाम, कीड़े मकोड़ों की भरमार और दीवारों पर जाली फंगस पाई गई। मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर तैयार दूध तलब कर दिया गया था। तैयार जाली दूध को लाहौर की मुख्य सोसाइटी और मिल्क शॉप पर सप्लाई किया जाना था। फूड सेफ्टी टीमों की बरवक्त कार्रवाई ने लाहौरियों को जाली दूध पीने से बचा लिया। सप्लाई करने वाला यूनिट भी पकड़ा गया। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख, आपका बहुत शुक्रिया।